हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है मैंने जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जायफल जावित्री के ऊपर, कि हम जो है जायफल जावित्री को जो है पीस के उसका पाउडर बना के जो है किस तरह हम जो है स्टोर कर सकते हैं। चले आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ कि लोगों को पता होता है कि ये दोनों को जायफल जावित्री कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि इन दोनों में से जायफल कौन सी जावित्री कौन सी है। तो ये जो है कन्फ्यूजन आपके मैं दूर कर दूँ। ये जो मेरे हाथ में ऑरेंज कलर की है ये है जावित्री, और ये जो दो जो गोल गोल अंडे जो आपको दिख रहे हैं ये है जायफल। ठीक है, तो ये देखिए जावित्री जो है इसको मैंने अच्छी तरीके से जो अपने हाथ से थोड़ा सा क्रश करके जो है ब्लेंडर के अंदर डाल देना है। ये जो है मसाला पीसने वाला ब्लेंडर है, ठीक है, दूसरे ब्लेंडर के साथ जो एक और मिलता है ये वो वाला है। उसके अंदर जो है मैंने जावित्री जो है हाथ से थोड़ी सी क्रश करके इसके अंदर डाल देनी है, और उसके बाद जो जायफल है इसके जो है ऊपर से जो इसका शेल होता है, जो इसका छिलका होता है, वो मैंने जो है तोड़ के फिर जो है इसको अलग कर लेना है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने अलग कर लिए हैं जायफल, और जो है इसके जितने भी अंदर से जो ये निकले हैं बॉल्स ये मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इसके छिलके अलग कर देने। ठीक है, अब जो है इसको मैं जो है ब्लेंड करती हूँ मशीन में, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जितना चाहे इसको स्टोर कर सकते हैं। एक बात जो है ज़रूर याद रखें कि जितनी ग्राम आपने जायफल लेनी है उतनी ही ग्राम आपने जावित्री लेनी है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल रेशियो होना चाहिए दोनों का। और जो है आप ये सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने पास किसी भी कंटेनर में, और ये आपकी बिरयानी में या कौरमे में जो भी आप मतलब बना रहे हैं उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये कम मिकदार में डलती है, हाफ टी स्पून अराउंड डलती है ये, और बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घर में ज़रूर ट्राई करें। और जो है आपने जितनी बना के रख सकते हैं स्टोर करके आप रख लें, बहुत ज़्यादा इजी है ये बना के स्टोर कर लें। और जो है उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।